जब भी कोई वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट आता है, किसी देश का सपना होता है वर्ल्ड कप जीतना, किसी का सपना होता है किसी भी तरह सेमीफाइनल में पहुंचना, जो ज़्यादा कमज़ोर टीम होती है उसका सपना होता है किसी भी तरह क्वालिफाई करना, और जो मानसिक रूप से दिवालिया टीम होती है सिर्फ उसका सपना होता है कि सिर्फ इस टीम को हराना है, बाकी हम वर्ल्ड कप जीतें या ना जीतें। कुछ ऐसा ही ख्वाब देख रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गलती हम कैसे कह दें, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ये ख्वाब देख रहे हैं। जरा सोचिए, कभी BCCI के अध्यक्ष ने इस तरह की बातें की कि सिर्फ पाकिस्तान को हरा दो इतना बड़ा बोनस देंगे? जवाब है नहीं। लेकिन PCB के अध्यक्ष तो बोरा गए हैं, पगला गए हैं, और वर्ल्ड कप से पहले अपनी ही टीम को दबाव में डाले जा रहे हैं। जब न्यूजीलैंड की टीम गई तो कहा, पहले हमारे निशाने पर सिर्फ एक टीम होती थी, इंडिया। अंदर से एक आवाज़ आई होगी, वो अलग बात है, हम इंडिया से हमेशा मैच हारते हैं, और अब एक और टीम ऐड हो गई है, उसमें टीम है न्यूजीलैंड। अब हमारी टीम याद रखे कि जब वर्ल्ड कप खेले सिर्फ इंडिया को नहीं न्यूजीलैंड को भी हराना है। सच्चे क्रिकेट फैंस ने पूछा, क्यों भाई वर्ल्ड कप नहीं जीतना क्या? इसका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ इंडिया को हराना है, न्यूजीलैंड को हराना है। फिर दो दिन बाद और ज़्यादा बोर आ गए, कहने लगे अब एक और टीम ऐड हो गई है, इंग्लैंड। और अब रमीज़ राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को खेलने ना दे। अब एक तरह से BCCI की तारीफ भी करने लगे। उन्होंने कहा कि PCB के पास जो पैसा है उसका 50% ICC से आता है, मतलब जो ICC फंडिंग करता है बोर्ड्स को देख के उनकी दिवालिया हालत के हिसाब से, तो PCB का जो टोटल रिवेन्यू उसमें 50% ICC का रोल है। फिर इसके बाद रमेश राजा ने बताया कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, ICC की टोटल अर्निंग में 90% BCCI का रोल है, ICC की फंडिंग में 90% BCCI की फंडिंग है, तो अगर BCCI चाहे तो जो हमारा 50% रिवेन्यू है उसे रोक सकता है, लेकिन BCCI नहीं रोकता। तो कहीं ना कहीं हम हर बात पे BCCI को ब्लेम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है रमेश राजा को खुद नहीं पता, उनको इंडिया के खिलाफ होना है, इंडिया के साथ होना है। अंदर का कमेंटेटर कि उनके मन में ख्वाब है कि एक ना एक दिन फिर से इंडिया के मैचों में कमेंट्री करेंगे, एक ना एक दिन फिर से स्टार स्पोर्ट्स के साथ करार होगा, पैसा कमाएंगे, BCCI की बुराई करने नहीं देता। उनके अंदर का पाकिस्तानी BCCI की तारीफ नहीं करने देता और हर वक्त BCCI की बुराई करवाता है। तो रमेश राजा को एक अपना एक गोल सेट करने की ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है कि उनका तो यही एजेंडा है, इंडिया के खिलाफ है या वो या पक्ष में है। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, खुद उनके देश के क्रिकेट फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं। जो उनके देश के सच्चे क्रिकेट फैन हैं उन्होंने तो हिदायत भी दी रमेश राजा को कि आप ये क्या बकवास करते हैं कि इंडिया को हरा दो वर्ल्ड कप में, क्या इंडिया के अलावा बाकी टीम नहीं है, क्या वर्ल्ड कप जीतना पाकिस्तान का लक्ष्य नहीं है? जाहिर सी बात है, जब ऐसी दिवालिया बातें एक देश का क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष करेगा तो क्रिकेट टीम तो खुद ही दिवालिया हो जानी है, मानसिक रूप से भी, फाइनेंशियल रूप से भी, और मैच में तो इंडिया के खिलाफ उनका क्या हाल होगा ये पूरी दुनिया जानती है। और अब उन्होंने कीवियों को भी गुस्सा दिला दिया है, कीवी भी पाकिस्तान को पेलेंगे, ब्रिटिशर्स भी पाकिस्तान को पेलेंगे। कुल मिला के एक अध्यक्ष की वजह से पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।